हेलो गेमर्स, क्या हाल चाल। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला जो नॉच वाला जिनका स्क्रीन है उनके लिए। देखिए आप यहाँ साइड में आपको देख सकते हैं कि ये वाला जो सारे ही ऑप्शन है ये स्क्रीन से थोड़ा साइड में आ रहा था। आप इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसको कैसे आप फिक्स कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक मैं बताने वाला हूँ आपको। सिंपली ग्राफिक्स में आना हो, ग्राफिक्स में आपको देखिए ब्राइटनेस के नीचे एक सेटिंग आ रहा है नॉन स्टैंडर्ड स्क्रीन, इसके अंदर आपको आना। अभी इसमें 50 आपके हो रखा है। अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट रखोगे तो भी अगर यही आएगा, अगर आप ये रिसेट स्क्रीन करोगे तो भी यही आएगा। तो आपको क्या करना है, ये तो दिक्कत आ रहा है, इसके लिए आपको 2 या 3 पे इसको रखना है। 50 हो रहा है तो इसको आप 0 भी नहीं करना है और ना ही आपको इसको 25 करना है। इसको आप 1 से लेकर 3 या 4 के बीच में रख सकते हैं। देखिए मैंने इसको रिसेट किया है और इसी में थोड़ा देखते हैं, अभी बिल्कुल ही कॉर्नर पे आ गया है। तो आप इसे यहाँ इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। अगर आपके ज़्यादा आ जाए थोड़ा इसको एडजस्ट करके कम कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर किसी की स्क्रीन है जिसके साइड में अगर हल्का सा उनका नोट्स अंदर की तरफ आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट करना बहुत ही इजी है। आप इसको 1 से लेकर 10 तक आराम से सेट कर सकते हैं। ज़्यादातर सॉल्यूशन जो भी आपको मिलने वाला है 1 से 4 के बीच में मिल जाएगा, क्योंकि 1 से 4 के बीच में जो भी नोच रोटेशन होता है सभी का इसी के अंदर आ जाता है। तो सिंपली आपको बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, यहाँ से आप इसको जाके फिक्स कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपका फिक्स नहीं होता है, जैसे मैंने एक दूसरा मोबाइल है तो उसमें मैंने सभी सेटिंग करके देखी तो इसके बाद फिक्स नहीं होता है। 99% मोबाइलों में ये फिक्स हो जाता है। लेकिन किसी का अगर स्क्रीन का डिज़ाइन बिल्कुल ही अलग है तो उसमें आपको क्या करना होगा, उसके आपका जो भी पबजी है उसको आपको उसका जो पूरा डाटा उसे रीसेट करना पड़ेगा, और उसके बाद डाटा रीसेट करने के बाद उसको आपको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर ये वाले प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। इजीली मेरे जो दिक्कत थी वो मैंने आपको सामने बताई कि मेरा आपके सामने बिल्कुल सही फिक्स हो गया। तो आपका जो मोबाइल है वो बहुत ही ऐसा कम होगा कि आपके मोबाइल में ये फिक्स ना हो जाए, ठीक है। बहुत कम लो प्राइस वाले मोबाइल है, अंडर 10,000 के नीचे जिनके मोबाइल है उनमें से कुछ मोबाइल ही ऐसे बचेंगे, कुछ ऐसे उनमें से ये जो स्क्रीन साइज़ है वो फिक्स नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं इसको बार बार चेंज करके देख रहा हूँ कि कहाँ मेरे का फिक्स रहेगा, तो उस जगह मैं इसको फिक्स कर दूँगा। तो मेरा जो फिक्स आया था शायद 2 पे ही पहले फिक्स हो गया था, लेकिन मैं इसको अभी भी देख के जा रहा हूँ कि क्या अगर ये और भी थोड़ा स्मूथ हो जाए तो ठीक है। तो आप इस तरह जाके अपने स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं पबजी के अंदर। अगर आप इसको सेटिंग में जाके मोबाइल सेटिंग में जाके ढूंढोगे तो आपको कहीं भी सेटिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो नई सेटिंग आई है इसके अंदर ही इसको ऐड कर दिया गया है। जो नोच वाले मोबाइल है उसी के लिए इस सेटिंग को BGMI के अंदर डाला गया है। तो अगर यहाँ से अगर आपको सेटिंग आपकी हो जाती है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।